हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग क्या होती है और इसको करने की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो, इसको पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। पर उससे पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आपको यहाँ आना है, सब्सक्राइब का बटन दबाना है और दबाने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबाना है ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप स्टडी कर रहे हैं और अगर आपको नोट्स फ्री में, अगर आपको नोट्स बहुत ही सस्ते दामों पे चाहिए और अगर आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ पे एमकॉम वाले ऑप्शन में आपको आना होगा अगर आप एमकॉम के स्टूडेंट हैं। और यहाँ से फिर ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके नॉमिनल सा फी पेमेंट करके आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी बेनिफिट मिलेंगी। सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलेगा कि आपको असाइनमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आपको नोट्स बहुत ही सस्ते दामों पर मिलेंगे और आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7 रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी, जो कि आपके दिमाग में होंगी उन सारे क्वेरीज का जवाब आपको जो है व्हाट्सएप सपोर्ट के थ्रू दिया जाएगा। अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, अगर आपको असाइनमेंट लिखने में दिक्कत हो रही है, अगर आपको असाइनमेंट से रिलेटेड उसका मार्क्स, उसका ग्रेड कार्ड का मार्क्स, आपको कुछ भी जानने में अगर दिक्कत हो रही है, आपको 24/7 जो है व्हाट्सएप सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं इन केस ऑफ नीड, ठीक है ना? तो ये बेनिफिट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर वीडियोस में ठीक तरीके से देख नहीं पा रहा हूँ, सारी चीजें अरेंज ऑर्डर में नहीं है, तो मैं कहूंगा कि भाई सबसे पहले तो कॉमर्स की पाठशाला में पहुंचने के बाद, वेबसाइट में आने के बाद आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है, जहाँ पे आपको इस तरीके से प्लेलिस्ट आएगा, है ना? एम कॉम, बी कॉम, न्यू बी कॉम, कॉमर्स 11, 12, इस तरीके से प्लेलिस्ट आएगा। तो आपको एमकॉम वाले सेक्शन में जाकर के क्लिक करना है, जो भी आपका सेक्शन होगा एमकॉम वाले में आपने जाके क्लिक किया तो देखो यहाँ पे IBO 1, IBO 2, IBO 3, इस तरीके से IBO 6 और MCO 1 आपका सेकंड ईयर, MCO 1 से लेकर के MCO 7 सारी की सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जहाँ की ढेर सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, जिनको देख करके आप डेफिनेटली एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला पाओगे, राइट? तो ये तो बात होगी इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक के बारे में, जो कि है पोजीशनिंग और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। देखो, पोजीशनिंग का मतलब होता है कि आप अपने मार्केट में, जब आप मार्केट में घुस रहे हो तो मार्केट में घुसने के बाद आप अपने प्रोडक्ट को किस जगह पे देख रहे हो, आप किस जगह पे पोजीशन करोगे। सपोज आपका प्रोडक्ट जो है थोड़ा सा महंगा है, तो आप जब प्रमोशन करोगे अपने प्रोडक्ट का तो क्या बोलोगे कि महंगाई बहुत ज्यादा है, हमारे प्रोडक्ट की का प्राइस बहुत ज्यादा? नहीं, आप बोलोगे, क्वालिटीज बताओगे ना अपने प्रोडक्ट की, है ना? मतलब आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा, जब कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा तो आपके तरह के प्रोडक्ट तो और भी मार्केट्स में अवेलेबल होंगे, तो लोग आप ही के प्रोडक्ट को क्यों खरीदेंगे? तो एक डिफरेंशिएशन पॉइंट आपको क्रिएट करना होगा अपने प्रोडक्ट के लिए। अब वो कुछ भी हो सकता है, प्राइस हो सकता है, प्लेस हो सकता है, कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, है ना? तो पोजीशनिंग का मतलब है कि अपने प्रोडक्ट को इस मुकाम तक लेकर के जाना, इस सिचुएशन में लेकर के जाना कि लोग आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर पाए ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोडक्ट्स एट्रीब्यूट्स, जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो लोग उसको चेक कर पाए। तो ये तो पोजीशनिंग का मैंने ओवरऑल एक डेफिनेशन आपको बताया। आप देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। आफ्टर द कंपनी हैज डिसाइडेड इट्स मार्केट मार्केट टारगेटिंग स्ट्रेटजी, जब कंपनी ने ये डिसाइड कर लिया कि उनकी मार्केट टारगेटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, जो अगला मैनेजरियल चैलेंज होता है वो ये होता है कि उन्हें किस पोजीशन को ऑक्यूपाई करना है अपने सिलेक्टेड सेगमेंट में। जब उन्होंने ये सेलेक्ट कर लिया कि हम इस सेगमेंट को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, तो उस सिलेक्टेड सेगमेंट का कौन सा हिस्सा या फिर कौन सा जगह, किस पोजीशन में आप अपने प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं, लेके जाना चाहते हैं, ये डिसाइड करना मैनेजर का अगला काम होता है। कॉटलर ने डिफाइन करा है, कॉटलर हैज डिफाइंड प्रोडक्ट पोजीशनिंग एज द वे द प्रोडक्ट इज डिफाइंड बाय द कंज्यूमर्स ऑन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, द प्लेस द प्रोडक्ट ऑक्यूपाइज इन कंज्यूमर्स माइंड रिलेटिव टू कंपीटिंग प्रोडक्ट, है ना? तो कॉटलर ने बताने की कोशिश की है, कॉटलर ने इस तरीके से डिफाइन किया है कि जो भी एट्रीब्यूट आपका आपके कंज्यूमर आपको प्रोवाइड करेंगे, आपके कंज्यूमर अगर आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बात है, कोई ना कोई रीजन है जिसके कारण से वो आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। तो आप अपना एट्रीब्यूट डिसाइड मत करो, आप कस्टमर से पूछो कि कस्टमर क्या देख करके आपके प्रोडक्ट को खरीद रहा है, वो उसी को अपना एट्रीब्यूट बनाओ, उसी को अपना पोजिशन तैयार करो, उसी चीज के ऊपर अपना पोजिशन तैयार करो। अगर लोग आपकी क्वालिटी को देख करके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आप अपनी क्वालिटी के ऊपर और ज्यादा ध्यान दो ताकि लोग और ज्यादा खरीदे। जैसे कि जो स्ट्रेटेजी एप्पल अपनाती है, एप्पल का जो पोजिशनिंग है पूरी वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन पोजिशनिंग उसी का है। उसका महंगा फोन लाख लाख रुपए तक का आता है लेकिन फिर भी वो फोन बिकता है, क्योंकि यहाँ पे लोग पैसों के बारे में नहीं सोचते, यहाँ पे लोग सिक्योरिटी क्वालिटी के बारे में सोचते हैं, राइट? तो पोजीशनिंग आपको यहाँ पे इस तरीके से करना होगा। दस प्रोडक्ट्स पोजीशन रिफ्लेक्ट्स इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स व्हिच अ कंज्यूमर गिव्स टू द प्रोडक्ट,
है ना, क्योंकि प्रोडक्ट पोजीशनिंग का मतलब हो गया कि वो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट जो कि कंज्यूमर प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट को, कि हाँ भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, हाँ भाई प्रोडक्ट का लुक अच्छा है, हाँ भाई प्रोडक्ट की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही बेहतरीन है, जैसे एप्पल में होता है। इट इज द पोजिशन इन द परपेचुअल स्पेस ऑफ द कंज्यूमर्स माइंड दैट द प्रोडक्ट टेक्स इन रिलेशन टू द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, है ना। तो जो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट होंगे, ऐसी बहुत सारी कंपनीज होगी जो कि सेम प्रोडक्ट बना रही होंगी, लेकिन आपका दिमाग एज ए कंज्यूमर, आपका दिमाग उसी प्रोडक्ट की तरफ क्यों जा रहा है? वो इसलिए जा रहा है क्योंकि कंपनी ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है कि मैं इस जगह पे आकर के इस चीज के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मेरा फोकस जो है इस चीज पे होने वाला है, विच इज ऑफन वर्बलाइज बाई द कस्टमर्स ऑन सर्टेन एट्रीब्यूट्स, है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपको दिमाग में रखनी है जब भी आप पोजिशनिंग की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट पोजीशनिंग डिपेंड्स ऑन मार्केट स्ट्रक्चर। अब देखो प्रोडक्ट पोजीशनिंग जो है बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि आपके मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है उस फर्म का, एंड द कंसेप्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन एंड कॉम्पिटिशन अमंग प्रोडक्ट्स, है ना। और उस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूशन क्या है, सपोज आपने प्राइस बहुत ज्यादा हाई कर दिया तो क्या आपके प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूशन है? अगर एप्पल ने हाई 1 लाख रुपए दाम रखे हैं तो एप्पल की जगह पे लोग क्या खरीदेंगे? अभी वन प्लस धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, उस लेवल पे आ रहा है, पर फिर भी लोग वन प्लस को उतना ज्यादा पसंद नहीं करते जितना एप्पल को करते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनका कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो काफी हाई है, उनका जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो एक तरीके से उन लोगों ने बहुत अच्छे से उसको समझ के रखा हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पोजीशनिंग। पोजीशनिंग का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, जब आप पोजीशनिंग करोगे तो किन किन चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। इसके बाद और भी पैराग्राफ हैं, आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो, बट दीज आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज रिक्वायरमेंट्स ऑफ पोजीशनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वाले पॉइंट को भी। सो देयर इज अ हाई डेसिबल ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन एम्ड एट कंज्यूमर्स ऑफ टुडे, है ना। तो आपको पता है कि अभी के टाइम पे कंज्यूमर जो होता है वही किंग होता है, तो कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है उन तक पहुंचाया जाता है, उनको बताया जाता है कि हमारा प्रोडक्ट ये है, हमारे प्रोडक्ट में ये सारे फायदे हैं वगैरह वगैरह चीजें, है ना। तो उन तक पहुंचाने के ये सारे बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, दे आर एक्सपोज टू वेरियस लेवल्स एंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू मल्टीपल मीडिया लाइक न्यूज पेपर, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, अनकन्वेंशनल मीडिया लाइक फेयर्स, फेस्टिवल्स, एग्जीबिशंस, इवेंट्स एंड डोर मीडिया, है ना, आउटडोर मीडिया। तो ये वो सारे तरीके हैं जिसके जरिए उनको एक्सपोज किया जाता है वेरियस लेवल ऑफ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के साथ, जहां पे हम मार्केटिंग करते हैं, टेलीविजन पे मार्केटिंग करते हैं, न्यूज़पेपर पे, रेडियो पे, इंटरनेट पे, जो अनकन्वेंशनल तरीके हैं मीडिया के, जैसे कि मेला ऑर्गेनाइज कर लिया, कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर लिया, कहीं पे कोई एग्जीबिशन लगवा दिया, तो इसके जरिए उनको जो एक तरीके से बार बार एक्सपोज किया जाता है, बार बार उनको बताया जाता है कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन के तहत हम ये बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगी। तो आप एक तरीके से पोजीशन तैयार करते होते हो अपने प्रोडक्ट के लिए, राइट। बट द एबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर टू इवेलुएट द इन्फॉर्मेशन एंड रिमेंबर ऑल ऑफ देम आर लिमिटेड बाई टू फैक्टर्स, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि सारी चीजों को याद रख पाना, है ना। तो वो लोग दो फैक्टर्स के बारे में सिर्फ सोचते हैं, सिर्फ दो पॉइंट्स के बारे में सोचते हैं। कौन कौन से वो पॉइंट है? द कस्टमर एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम परसूज वन कंजम्पशन गोल विच मेक्स अदर इन्फॉर्मेशन रिडंडेंट फॉर देम, है ना। तो वो जब कंज्यूमर गोल के बारे में सोचता है, जब वो ये सोचता है कि उनको क्या चाहिए, है ना, तो वो सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचता है, जो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है वो एक तरीके से रिडंडेंट हो जाती है, किसी तरह की यूजलेस वो चीजें हो जाती हैं। जब आप क्वालिटी के बारे में सोचोगे तो बाकी सारे फीचर्स के बारे में आप नहीं सोचोगे, जैसे कि लुक हो गया, सपोज किसी का फोन का जो लुक है वो प्रीमियम लुक है, एकदम देख करके लग रहा बहुत महंगा है, पर वो असल में है नहीं। पर जब आप क्वालिटी आपके दिमाग में होगा तब आप उस चीज की तरफ नहीं जाओगे, है ना। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि जो आपका कंजम्पशन का गोल है, अगर आपने वो एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे इस कारण से इस प्रोडक्ट को खरीदना है, तो बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो तरीके से रिडंडेंट होती है ना, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। सेकेंडली, द एबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू प्रोसेस ऑल द इंफॉर्मेशन इज लिमिटेड ड्यू टू हाई लेवल ऑफ डिस्टॉर्शन एंड पुअर रिटेंशन रेट इन द कंज्यूमर्स मेमोरी बॉक्स। ये तो साले ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि हमारा दिमाग कोई कंप्यूटर है कि हम सारी चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखे, तो इसका जिम्मेदार वो हमें ही ठहरा रहे हैं, या बुक जो है उसका जिम्मेदार कि हम अच्छे प्रोडक्ट नहीं चूज कर पा रहे हैं, या फिर हमारा जो जो हमारा मेमोरी है वो लिमिटेड है, उसके जिम्मेदार हम खुद ही। अरे भाई, इंसान को बनाया ही इसी तरीके से किया है ना। तो यहाँ पे जो सेकंडली जो बात बोली जा रही है, जो पॉइंट बोला जा रहा है, वो ये है कि जो कंज्यूमर की एबिलिटी होती है ना कि सारे के सारे प्रोसेस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की, चेक करने की कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं है, और हमारी जो पुअर रिटेंशन रेट है, हम अपने दिमाग में बहुत सारी चीजों को बहुत देर तक नहीं रख सकते हैं, है ना, हमारा जो मेमोरी बॉक्स है उसमें बहुत सारी चीजों को हम देर तक नहीं रख सकते हैं, इसके कारण से भी डिस्टॉर्शन होता है, पुअर रिटेंशन के कारण हमें जो है दिक्कत होती है, और फिर हम जाकर के उसी चीज को खरीद लेते हैं जो हमें एक तरीके से स्टार्टिंग में पसंद आता है, जिस क्वालिटी के तहत हम खरीदना चाहते हैं वो हम देखते हैं कि वो चीज उसमें है या नहीं है, और अगर है
तो फिर हम उसी को खरीद लेते हैं, क्योंकि हम इन सारी चीजों को नहीं कर पाते। कौन सी चीजें? आप यू नो जो पुअर रिटेंशन स्कीम है ये नहीं कर पाते हैं, हम बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं कर पाते हैं इन्फॉर्मेशन को, है ना। सो कंज्यूमर्स आर ओवरलोडेड विद इन्फॉर्मेशन इन मार्केट प्लेस, बट कंज्यूमर्स इंटेंशन एंड एबिलिटी टू प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन इज लिमिटेड, है ना। तो कंज्यूमर के पास इन्फॉर्मेशन ढेर सारी है कि भाई ये है वो है, इस कंपनी का वो है, उस कंपनी का वो है, लेकिन आखिरकार जाकर के कंज्यूमर का जो दिमाग है, जो एम्प्लॉय जो जैसे कि हमारा दिमाग है, वो तो एक लिमिटेड है ना। हमारे दिमाग में हम बहुत सारी चीजों को दिमाग में जगह नहीं दे सकते हैं, नहीं रख सकते, है ना। तो इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन आखिर में जाकर के जो कंज्यूमर के जो इंटेंशन होगा, उसका जो एबिलिटी होगा प्रोसेस करने का, वो लिमिटेड है। तो जितना भी उसके पास है उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। सो टू सिंप्लीफाई द बाइंग प्रोसेस एंड रिड्यूस द मेंटल टेंशन, कंज्यूमर्स ग्रुप इंफॉर्मेशन अबाउट कंपीटिंग प्रोडक्ट्स एंड इवेलुएट देम ऑन परपेचुअल एट्रीब्यूट्स डिपेंडिंग ऑन परसीव्ड क्वालिटी टू क्रिएट डिस्टिंक्ट पोजीशन इन देयर माइंड, है ना, डिस्टिंक्ट पोजीशन। तो जब एक कंज्यूमर परेशान हो गया कि उसको कौन सी चीज खरीदनी है, कौन सी चीज नहीं खरीदनी है, तो लास्ट में वो क्या करेगा, वो देखेगा कि किस प्रोडक्ट का क्या एट्रीब्यूट है। जैसे कि एप्पल क्वालिटी के लिए बढ़िया है ना, कोई कोई फोन जो है सस्ते दाम पे मिल रहा है, तो हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना एट्रीब्यूट होता है। तो कस्टमर एक तरीके से, कंज्यूमर एक तरीके से उसी हिसाब से जो है वो क्रिएट करेगा डिस्टिंक्शन पोजीशन, कि भाई ये प्रोडक्ट लेंगे तो ये बेनिफिट मिलेगा, वो प्रोडक्ट लेंगे तो वो बेनिफिट मिलेगा। इस तरीके से वो लोग जो है एक तरीके से डिस्टिंक्शन पोजीशन जो है वो क्रिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी एंड एट्रीब्यूट जो भी है, राइट। तो ये सारी चीजें होती है। दूसरा है, दूसरा जो पैराग्राफ है उसको तरफ भी देख लेते हैं। A product's position in the complex set of perceptions, impressions, and feelings that consumers have for product in comparison with the competitive, competing alternatives available in the market, है ना? तो जो product का position है वो depend करता है complex set of perception के ऊपर, impressions के ऊपर, feelings के ऊपर, जो कि consumer के दिमाग में आती हैं जब वो एक product को दूसरे product के साथ compare कर रहा होता है, क्योंकि एक market में बहुत सारे products available होते हैं, राइट। तो उसमें आपका जो है पोजीशन कितना बेहतर है या कैसे आपको अपना पोजीशन बनाना है, इस चीज को लेकर के कंज्यूमर जो है परेशान हो रहा होता है और वो कंपैरिजन करता है। दे पोजीशन विद और विदाउट द हेल्प ऑफ मार्केटियर्स। अब वो जो पोजीशन करते हैं अपने दिमाग में, वो यू नो हेल्प लेते हैं मार्केटियर्स का, समटाइम्स नहीं लेते। सपोज मुझे कोई सामान खरीदना है, तो जिसके पास ऑलरेडी वो सामान है या उस तरह के सामान को इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं उससे बात करूंगा ना, तो मेरा परसेप्शन जो है वो तो है ही, प्लस मैं उससे भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा बेहतर है, है ना। तो उसको मैं ऐसे मार्केटियर ट्रीट कर सकता हूँ क्योंकि उसको मार्केट के बारे में अच्छा नॉलेज है। तो समटाइम्स यहाँ पे आदमी जो है खुद से भी डिसीजन लेता है और समटाइम्स विदाउट द हेल्प ऑफ मार्केटियर्स के भी डिसीजन लेता है। अ सक्सेसफुल मार्केटियर प्रोवाइड्स रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन टू द कंज्यूमर व्हाइल द कंज्यूमर इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ पोजीशन थ्रू कंपनीज मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोग्राम, है ना। तो एक सक्सेसफुल मार्केटियर जो होता है वो एक तरीके से रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन अपना निकालने की कोशिश करता है और देता है कंज्यूमर्स को, है ना। और कंज्यूमर जो होता है वो स्टिल लेकिन प्रोसेस कर रहा होता है कि उनको जो है कंपनी का जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जो कंपनी का जो मार्केटिंग है, जो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है अपने कम्युनिकेशन प्रोग्राम के थ्रू, वो उसके बेसिस पे भी सोच रहा होता है, राइट। तो ये दो तरीके से चीजें होती हैं। देयरफॉर अ मार्केटियर कैन प्लान पोजीशन टू हिज प्रोडक्ट एंड कैन क्रिएट सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज फॉर द प्रोडक्ट इन द सेलेक्टेड सेगमेंट। तो इस केस में जो मार्केटियर होता है उसके पास एक मौका है कि वो अपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से पोजीशन कर पाए यू नो मार्केट में, और एक जो जो सेलेक्टेड सेगमेंट है वहां पे वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज शो करके, अपने प्रोडक्ट का कॉम्पिटेटिव एडवांटेज शो करके अपने प्रोडक्ट्स को वो वहां पे सेल कर पाए, राइट। तो ये उनका जो है मेन टारगेट होता है, क्योंकि वहां पे परेशान हो रहा होता है जो कंज्यूमर होता है, वो दो तरीके से परेशान हो रहा होता है। एक तो वो खुद से भी चीजों को चेक करता है जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, प्लस वो जो मार्केटियर होता है वो भी उसको एक तरीके से इन्फॉर्मेशन बांट रहा होता है कि भाई ये ले लो, है ना। रेस्ट अदर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैन सपोर्ट द पोजीशन दैट इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज टू द फर्म, है ना। तो जो बाकी की सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है वो एक तरीके से आपको सपोर्ट कर सकती है आपके पोजीशन को क्रिएट करने में, आपके पोजीशन को सस्टेनेबल बनाने में, क्योंकि अगर आपको एडवांटेज कमान जो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है वो प्रोवाइड करती है, सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज प्रोवाइड करती है जो अदर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है वो, है ना। ईच फर्म मस्ट क्रिएट अ सेट ऑफ डिफरेंशिएशन और यूनिक ब्रांड और बंडल ऑफ बेनिफिट्स दैट अपील्स टू द सस्टेनेबल सेगमेंट ऑफ द मार्केट। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक फर्म जो है एक अलग डिफरेंशिएशन क्रिएट करने की कोशिश करती है प्रोडक्ट्स के बीच में, प्रोडक्ट का जो बंडल ऑफ बेनिफिट्स है कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, उसके जरिए वो एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करती है। जैसे कि मोबाइल के फोन में मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कंपनीज है
है ना, लेकिन फिर भी लोग एप्पल को बाय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना एक डिस्टिंक्शन बना लिया है, उन्होंने अपना एक डिफरेंट ऑरा बना लिया है कि जो वो बोलते हैं कि जब भी हमारा फोन जब भी नया लॉन्च होगा तो दूसरे फोन की बिक्री आराम से घट जाएगी और उनके फोन की बिक्री बढ़ जाएगी। जब भी लॉन्च होता है ना तो उनका देखना उनके पीछे लोग जैसे पागल हो जाते हैं कि नया वाला आईफोन लेना है, नया वाला आईफोन लेना है, राइट। तो ये चीज जो है वो लोग क्रिएट करके रखते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जहाँ पे मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स ऑफ पोजीशनिंग के बारे में आपको बताया, साथ ही साथ पोजीशनिंग क्या होती है मैंने आपको ये भी बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।